मासूम नाजुक से लड़के नानू गुर्जर नाचे मन मोरा मगन तिग दा धिग धिग और आशीष श्रीवास्तव। दिन ढल जाए हाय रात न जाए। मिल बैठेंगे और बताएंगे कितना मुश्किल है मोहम्मद रफी के गानों को निभाना। चांद को बदरा गरवा लगाए और भी मोरा मन। तो ये जो मन लिया है ना, छोटी सी जगह में क्या कमाल की तान रफी साहब ने लिए। एक शानदार महफिल 1 अगस्त शाम 4 बजे। आजा रे आजरा। याद रखिए 1 अगस्त शाम 4 बजे आवाज की दुनिया के फरिश्ते मोहम्मद रफी को हमारा नमन। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पा। सातों सोनों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। स्वागत है आप सभी का रंगोली में। स्वीकार कीजिए ममता सिंह और यूनुस खान का नमस्कार। गुल मोहर गर तुम्हारा नाम होता, गुल मोहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसम गुल को हसाना भी हमारा मोहर कर तुम्हारा नाम होता। इतना सुने आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने। ओ मेरे गुल बिना उनका कहाँ बहार नाम होता।
अच्छा ममता जी, आपने आराधना फिल्म तो देखी ही होगी और उसका वो मशहूर गाना भी आपको याद होगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। बिल्कुल, इस गाने में दार्जिलिंग में खुली जीप में राजेश खन्ना साहब पूरी अदा के साथ गाते दिख रहे हैं, लेकिन शर्मिला टैगोर तो वहाँ थी नहीं। बिल्कुल, शर्मिला टैगोर जी के जो शॉट्स थे वो टॉय ट्रेन का सेट बनाकर मुंबई के नटराज स्टूडियो में फिल्माए गए थे, लेकिन सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग का कमाल ये है कि लगता ही नहीं है कि हीरो और हीरोइन ने अलग अलग शूटिंग की और उन दोनों को जोड़ दिया गया। ऐसे गुणी सिनेमेटोग्राफर थे आलोक दास गुप्ता और एडिटर साहिल बुद्धि राजा। यूनुस जी, इस गाने में शर्मिला टैगोर कौन सी किताब पढ़ रही है जरा बताइए तो। आप क्या समझ रही हैं कि ये गाना देखते हुए ज्यादातर लोग शर्मिला टैगोर को देखते हैं, ये थोड़ी देखते हैं कि उनके हाथ में कौन सी किताब है। मजाक की बात अलग है, लेकिन आपको बताता हूँ कि वो पढ़ रही हैं एलिस्टर मैकलेन का थ्रिलर नॉवेल व्हेन एट बेल्स टॉल। अब बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, और आप भी जरा गौर फरमाइए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का, और किसी पे ये आ जाए।
क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए आ गया तो बहुत पछताएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया आ तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया आ तू चलिया। भाई आबरू देहलवी साहब फरमाते हैं, नैन से नैन जब मिलाएगा दिल के अंदर मेरे समाएगा। वाह वाह वाह, क्या खूब कहा है। सच में ये मोहब्बत इश्क ऐसी जितनी भी परेशानियां हैं इसके लिए नैन ही कसूरवार है, है ना। नैनों की भाषा की बड़ी गहरी समझ है आप, है ना। तो बस शुरू रहिए, चालू रहिए। शुक्रिया शुक्रिया यूनुस जी, शुक्रिया। मोहब्बत में अगर ये दिल गिरफ्तार हो गया तो नैनों की निंदिया और दिल का चैन सब खत्म हो जाता है ना। वो तो है, लेकिन मीठी मीठी प्यार की बातों से बेकरार दिल को करार भी तो आता है। अरे क्या मीठी बातें, जब अपने महबूब से मुलाकात होती है तो होठों पर खामोशी होती है, बस बोल उठते हैं नैना, है ना। ये है ना क्या लगा रखा है आपने। इसका जवाब तो चोर मचाए शोर फिल्म के गाने में मिलेगा, तो चलिए वही गाना सुन लेते हैं। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना। बोलो है ना, है ना, है ना। है ना, है ना, है ना, है ना।
कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी का पति या प्रियतम बिजनेस या जॉब के सिलसिले में कहीं दूर चला गया हो। भाई ऐसा तो होता ही रहता है। बिल्कुल होता है, और कभी पत्नी या प्रियतमा को भी दूर जाना पड़ता है किसी दूसरे शहर। और अगर तब उसकी याद सताए तो क्या होता है? जब उसकी याद सताती है तो जिया में आग लगाती है। भाई आप लोग तो फिर भी अपने आप को संभाल लेती हो, लेकिन लड़कों का बुरा हाल होता है। दूर रहिएगा तो यूं ही पछताइएगा, न ढंग के कपड़े न खाने की फिक्र। अरे अरे, लगता है कि ऑन स्क्रीन जो कुछ आगे बयान हो रहा है उसको आपने पहले से कह दिया। यहाँ है स्क्रीन पर गोप और निगार सुल्ताना। जी हाँ, और वो भी टेलीफोन पर। तो चलिए सुनते हैं पतंगा फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग। हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बहुत पछताए हम छोड़ के हिंदुस्तान, बहुत पछताए बहुत पछताए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया के तुम्हारी याद सताती है।
यूनु जी, अब जरा कुछ बातें राज कपूर साहब की हो जाए। बिल्कुल, नेकी और पूछ। सन 1948 में आई फिल्म आग, निर्माता निर्देशक के रूप में राज कपूर साहब की ये पहली फिल्म थी, लेकिन फिल्म कोई खास चली नहीं। कहते ना कि हिम्मते मर्दा और मददे खुदा, तो उन्होंने इसके बाद बनाई बरसात। 1949 में राज कपूर और नरगिस के अभिनय से सजी फिल्म बरसात ने न सिर्फ शोहरत की भरपूर बारिश की, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर पैसों की भी जोरदार बारिश हुई। इसके साथ ही राज कपूर साहब एक फिल्मकार के रूप में अपना सिक्का जमाने में सफल हो गए और हिंदी सिनेमा को मिली एक कालजयी जोड़ी नरगिस और राज कपूर के रूप में। एक फिल्मकार के रूप में राज कपूर का विजन अपने समय से बहुत आगे था। पारंपरिक फिल्मांकन से हटकर उनकी फिल्मों की नायिका प्रेम संबंधों को सहजता से स्वीकार करती है, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। तभी तो बरसात की नायिका अपने प्यार का इजहार ही नहीं करती, बल्कि ऐलान करती हुई कहती है, मुझे किसी से प्यार हो गया, और ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा साहस था। कहा गया है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर, यानी खूबसूरती देखने वाले पर निर्भर है। हम लड़कियां वैसे खूबसूरत नहीं होती हैं। भई आप तो तिल का ताड़ बनाने पर लगी हैं आज। कहते हैं जिससे मोहब्बत हो जाती है, जिसकी सूरत आंखों में बस जाती है, वही दिल को सबसे खूबसूरत लगने लगता है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, और कुछ कहना है? जी बिल्कुल कहना है। आदिल फारूकी फरमाते हैं, न पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, न पूछो हुस्न की तारीफ हमसे, मोहब्बत जिससे हो
बस वही हसीन है। तो जरा कुछ सीखिए इस शेर से। याद रखिएगा, हुस्न के आगे इश्क को झुकना ही पड़ता है, तभी प्यार की दास्तां शुरू होती है। वरना दास्तान इश्क का आगाज होने से पहले अंजाम हो जाएगा बेचारे आशिक। हाँ प्रोफेसर, फिल्म में इसीलिए तो शैलेंद्र जी की कॉलम ने कहा है, सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। सजदे में हुस्न के से दूर दिल से न जाओगे मेरे हुजूर, सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली खुद जाए तो क्या है फिकर। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये ना पूछो किधर, ये ना पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई। भाई ममता जी, आखिर ये दुनिया दो मोहब्बत करने वालों को बुरा क्यों कहती है, उन पर पहरे क्यों बिठाती है? वो इसलिए कि मोहब्बत करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम। हाँ ये तो है, मगर किसी में मोहब्बत करके निभाने की हिम्मत हो तो फिर परिवार और समाज का साथ भी मिलता है। दिल टूटने पर आंसू ना बहाना पड़े, शायद इसीलिए लोग मोहब्बत करने वालों पर पहरे बिठाते हैं। लेकिन कोई सच्चे दिल से किसी को अपना बनाना चाहता हो, उसे दिल में बसाना चाहता हो, तो उसे मुकद्दर आजमाने का हक है ना? बिल्कुल है, तभी तो जॉय मुखर्जी कल्पना से कह रहे हैं, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे बस प्यार का एक जाम दे दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ।
मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। घड़ी भर तो मेरे नजदीक आओ, घड़ी भर तो मेरे नजदीक आओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ। मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ, मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। बनाना है मुझे एक आशियाना, बनाना है मुझे एक आशियाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना। तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ममता जी, आखिर कोई इंसान सजता सवरता क्यों है? इसलिए ना कि कोई उसे देखे, उसकी तारीफ करे। और नहीं तो क्या, वरना जिंदगी बेमजा नहीं हो जाएगी। और वैसे ही रूठने का मजा तभी है जब कोई मनाने वाला हो, कोई हमारे दिल की बात समझने वाला हो। लेकिन भैया, किसी की जान पर बनाती है और लोग इसे अपने रूठने की अदा कहते हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ अदा नहीं है, एक तरह का इम्तिहान भी तो है। जो सच्ची मोहब्बत करेगा, जिसका दिल मिलने के लिए तड़पेगा, वो मनाएगा भी। और अगर कोई फिर भी न माने तो? और अगर कोई फिर भी न माने तो गाएगा भी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी। दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, देखना वो बिगड़ कर फिर हमें, और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही तमा मार गया, इसी जल में तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। Thank you.
चाहे कोई डगर हो प्यार की खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां दिल जलेगा तो होगी रोशनी तेरे दिल में बनाया मैंने आशियां तेरे दिल में बनाया मैंने आशियां ओ शरद पूनम की रंग भरी चांदनी मेरी सब कुछ मेरी तकदीर मेरी जिंदगी तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे और प्यार आता है इन अदाओं पे और प्यार आता है थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है मजा जीने का और भी आता है सन 2000 में आई रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म धड़कन जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही। सुरीली गीतों से सजी इस फिल्म के संगीतकार थे नदीम श्रवण और निर्देशक थे धर्मेश दर्शन और मुख्य भूमिकाओं में नजर आया अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी। बिल्कुल इस फिल्म में 8 कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड जीता। धर्मेश दर्शन को बेस्ट डायरेक्टर और नदीम श्रवण को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। गीतकार समीर को जिस गाने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो गाना है तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ दिल की धड़कन में रहते हो अब न किसी से डरना है संग जीना मरना है अब न किसी से डरना है संग जीना मरना है बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो
बस तुमने अपनाया है, दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है, अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना, अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। सपनों में खो जाओ तुम, दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, रहते हो, रहते हो। हे, क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी? रहते हो सच, कहते हो, कहते हो। सपनों में खो जाओ तुम, दिल की धड़कन में रहते हो। यूनुस जी, फिल्म मेकिंग में ऋषिकेश मुखर्जी साहब का अपना एक अलग स्थान है। बिल्कुल, ऋषिकेश मुखर्जी ने साफ सुथरी और सामाजिक सरोकारों वाली ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें पूरा परिवार मिलकर एक साथ देख सकता है। ये फिल्में आपको गुदगुदाती हैं, आपका स्वस्थ मनोरंजन करती हैं, कला और व्यवसाय के बीच एक संतुलन नजर आता है उनकी फिल्मों में। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि अनुपमा, गुड्डी, आनंद, अभिमान, मिली, चुपके चुपके और ऐसी ही तमाम फिल्में हैं जिसे हम देखते हैं और परिवार के साथ आनंदित होते हैं। सन 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म आई, ऋषिकेश मुखर्जी की इकलौती थ्रिलर फिल्म बुड्ढा मिल गया। कलाकार ओम प्रकाश, नवीन निश्चल, देवेंद्र वर्मा और अर्चना। थ्रिलर ये कि गिरधारी लाल यानी ओम प्रकाश के कई बिजनेस पार्टनर की रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है, और कॉमेडी यूं कि हर हत्या के शक की सुई बेचारे अजय यानी नवीन निश्चल और भोला यानी देवेन वर्मा पर घूमती है। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का ये गाना। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्ही से तार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई,
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सावली सूरत मोहनी मूरत सावन रुत का सवेरा। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सावली सूरत मोहनी मूरत सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है दुनिया मेरी गुलजार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों ही से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। भाई कभी आपने सोचा कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए ममता जी? मैं ही क्यों, कोई भी चाहेगा कि उसका जीवन साथी केयरिंग हो और सपोर्टिंग हो, उसे टाइम दे वगैरह वगैरह। और इसके लिए तो उसके बैंक बैलेंस ज्यादा, उसके दिल का बैलेंस बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, बड़े दिल वाला जीवन साथी मिलना तो बड़े नसीब की बात होती है। ऐसा जीवन साथी सिर्फ खुशी में आपके साथ नहीं रहता बल्कि आपकी तकलीफों को भी अपना समझकर साथ निभाता है। लेकिन आज के इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहां करियर या पैसे कमाने के पीछे रैट रेस लगी हो, ऐसा जीवन साथी कहां मिलेगा? कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आप उम्मीद का दामन छोड़िए मत। फिलहाल ये गाना सुनिए।
यूनुस जी, हमारे दर्शक भी तो उतने ही प्यारे हैं जैसा हमने सोचा था। बिल्कुल सही बात है, पर हमें कुछ वादा भी तो करना था। तो करते हैं वादा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होने का, सुरीले गीतों की रंगोली सजाने का। ममता सिंह और यूनुस खान का नमस्कार, बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम शाम सिंदूरी।